हेलो दोस्तों, आईटीआई क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेड थ्योरी इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से पूछे गए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर है आपका हस्त औजार, वहाँ से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें आपका, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर्स के लिए सावधानी रखेंगे कि उसे, ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हथौड़े के रूप में प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरा ऑप्शन है आपका ऊंचे स्थान से नीचे नहीं फेंकेंगे, तीसरा ऑप्शन है आपका समय समय पर तेल लगाएंगे, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला जो प्रश्न है इसमें आपका ये है कि फेज टेस्टर को प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वोल्ट से अधिक की रेंज पर काम में नहीं लेंगे, दूसरा ऑप्शन है आपका इंसुलेशन चेक करेंगे, तीसरा ऑप्शन है आपका चेक करते समय धातु की क्लिप पर उंगली रखेंगे वह अर्थ के संपर्क में रहेंगे, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, पेंचकस का प्रयोग करते समय क्या सावधानी रखेंगे। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है पेंच के आकार के अनुसार पेंचकस का चयन करेंगे, दूसरा ऑप्शन है आपका पेंचकस के हैंडल पर हैमर से चोट नहीं मारेंगे, तीसरा ऑप्शन है आपका इसका प्रयोग चोरसी के स्थान पर नहीं करेंगे, और चौथा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, बेंच वाइस की बॉडी बनी होती है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कास्ट आयरन की, दूसरा ऑप्शन है आपका हाई कार्बन स्टील की, तीसरा ऑप्शन है आपका निकिल स्टील, चौथा ऑप्शन है आपका क्रोमियम स्टील। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कास्ट आयरन की। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वाइस क्लैंप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है फिनिश सतह के बचाव के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका हार्ड जॉ के बचाव के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपका जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपका मूवेबल जॉ को फाइल होने से बचाने के लिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फिनिश सतह के बचाव के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, दस्ती वाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है हैवी जॉबों को फिक्स करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है आपका नटों व बोल्टों को टाइट करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है आपका गोल जॉबों को पकड़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन है आपका छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, एक से अधिक छोटे भागों को पकड़ते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है वाइस क्लैंप द्वारा, दूसरा ऑप्शन है आपका सी क्लैंप द्वारा, तीसरा ऑप्शन है आपका बेंच वाइस द्वारा, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वाइस क्लैंप द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, वाइस के साइज को निम्न के अनुसार स्पेसिफाई किया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है जा की अधिकतम लंबाई के अनुसार, दूसरा ऑप्शन है आपका जा की चौड़ाई के अनुसार, तीसरा ऑप्शन है आपका मूवेबल जा की लंबाई के अनुसार, और चौथा ऑप्शन है आपका वाइस की ऊंचाई के अनुसार। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जा की चौड़ाई के अनुसार। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, मैलेट को खालिस्तान से बनाया जाता है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है लेड, दूसरा ऑप्शन है ब्रास, तीसरा ऑप्शन है हार्ड लकड़ी, चौथा ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्ड लकड़ी। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, कैलिपर निम्न धातु के बने होते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है टूल स्टील, दूसरा ऑप्शन है कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है माइल्ड स्टील, चौथा ऑप्शन है पीतल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्बन स्टील। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जैनी कैलिपर को कहते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दे दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ट्रांसफर कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है मार्किंग कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, गुनिया का साइज लिया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है स्टॉक की लंबाई चौड़ाई से, दूसरा ऑप्शन है ब्लेड की लंबाई चौड़ाई से, तीसरा ऑप्शन है स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक, और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्टॉक के आंतरिक सिरे से ब्लेड के अंतिम सिरे तक। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, गुनिया का प्रयोग कहते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है टूल रूम में, दूसरा ऑप्शन है दर्जी कारपेंटर, तीसरा ऑप्शन है लैब में, चौथा ऑप्शन है आपका
इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, दर्जी व कारपेंटर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, स्प्रिंग टाइप कैलिपर है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है आंतरिक कैलिपर, दूसरा ऑप्शन है बाह्य कैलिपर, तीसरा ऑप्शन है जैनिक कैलिपर, चौथा ऑप्शन है आपका ए वे बी दोनों। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ए वे बी दोनों, जिसमें आप आंतरिक और बाह्य कैलिपर दोनों लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आपका, जॉब पर लेआउट रेखाएं खींचने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है स्क्रैपर, दूसरा ऑप्शन है आपका स्क्राइबर, तीसरा ऑप्शन है आपका हेक्सा ब्लेड और चौथा ऑप्शन है आपका पंच। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, स्क्राइबर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, स्क्राइबर किस पदार्थ के बने होते हैं। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है माइल्ड स्टील, दूसरा ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, तीसरा ऑप्शन है ब्रास और चौथा ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, हाई कार्बन स्टील। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, सरफेस प्लेट का प्रयोग मार्किंग के लिए किया जाता है क्योंकि। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है यह भारी कंपोनेंट का भार सह सकता है, दूसरा ऑप्शन है इसमें एक बड़ा सरफेस एरिया प्राप्त होता है, तीसरा ऑप्शन है आपका इस पर मार्किंग औजार सरलता से चलाए जा सकते हैं और चौथा ऑप्शन आपका यह डॉटम सरफेस प्रदान करता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यह डॉटम सरफेस प्रदान करता है। इसके बाद अगला और आखिरी प्रश्न है आपका, स्क्राइबर का कार्य है। ऑप्शन इसमें आपको दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है धातु को खुरचना, दूसरा ऑप्शन है आपका जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना, तीसरा ऑप्शन है आपका जॉब को चिकना करना और चौथा ऑप्शन है आपका जॉब पर वृत्त खींचना। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉब पर मार्किंग रेखाएं खींचना। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें।